हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल, कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। स्टूडेंट, आज हम लेके आए आपके लिए चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल यानी लाइट न्यूमेरिकल। स्टूडेंट, ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो बार 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 बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। मोस्ट रिपीटेड लाइट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, जो ये वो क्वेश्चन है जो बार बार किसी न किसी गैप के बाद आपके रिपीट होते हैं। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल करने से पहले अगर आपने साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ा है तो साइन कन्वेंशन पढ़ना जरूरी है, वरना आपको एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और सॉल्व हो भी जाएगा तो आप जो वो क्वेश्चन करोगे वो गलत करोगे। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स आपके लिए पहले एक वीडियो बना चुका हूँ साइन कन्वेंशन के ऊपर। साइन कन्वेंशन में क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है। साइन कन्वेंशन में ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब कॉन्वेक्स लेंस होगा या कॉन्केव लेंस होगा या कॉन्केव मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा, तो उस टाइम जो इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है इनकी, या सी की वैल्यू है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की या रेडियस की वैल्यू है इनकी, ये वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, ये किससे पता पड़ेगा? ये पता पड़ेगा हमें साइन कन्वेंशन से। तो साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर साइन कन्वेंशन नहीं आता है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सही सॉल्व नहीं कर सकते स्टूडेंट, ठीक है? तो पहले साइन कन्वेंशन सीखना जरूरी है। अगर नहीं सीखा है तो पहले ऊपर आई का बटन दबा के पहले साइन कन्वेंशन सीख लो, लिख लो एक कॉपी के अंदर कि कौन कौन सी चीज कब पॉजिटिव होती है कब नेगेटिव होती है, उसके बाद ही न्यूमेरिकल करना, वरना न्यूमेरिकल कभी भी सॉल्व नहीं होंगे स्टूडेंट, कोई फायदा नहीं होगा न्यूमेरिकल आपको देखने का या वीडियो देखने का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2014 में, 10 में और 12 में, तीन बार रिपीट हो चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं वो क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहा है, ए कॉन्केव लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको फोकल लेंथ दे रखी 20 सेंटीमीटर, लेंस कौन सा है? कॉन्केव लेंस है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका। यहाँ पे आपको कह रहा है फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है, तो एफ स्मॉल एफ की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन ये पता होना चाहिए कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस है। तो कॉन्केव लेंस में जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो हम यहाँ क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है स्टूडेंट, नेगेटिव फोकल लेंथ लेनी है। ओके, उसके बाद क्या दे रखा है आपको? उसके बाद एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर टॉल है, इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू दे रखी है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। टू बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज, ये एक इमेज फॉर्म कर रहा है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, 15 सेंटीमीटर दूर लेंस है। तो यहाँ पे क्या दे रखी है? किसकी डिस्टेंस दे रखी है? साफ साफ लिखा है इमेज, इमेज की डिस्टेंस दे रखी है। इमेज डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इमेज डिस्टेंस को हम वी बोलते हैं। तो वी की वैल्यू आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस जो होती है कॉन्केव लेंस में वो क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन, अभी भी मैंने बताया था कि साइन कन्वेंशन याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। पूछ क्या रहा है आपसे? यहाँ पे पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस पूछ रहा है, किसकी डिस्टेंस पूछ रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी आपसे u पूछी जा रही है। एक तो आगे क्या पूछा है? ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज पूछ रही है, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा? मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, या मैं कहूँ हाइट ऑफ द इमेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज आपको फाइंड करनी पड़ेगी, तो हाइट ऑफ द इमेज फाइंड कर लेंगे। पहले अपन निकाल लेते हैं यू। ओके, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? क्लियर, आपको फॉर्मूला याद है? ये रहा फॉर्मूला, वैल्यूज आपको ये रखी ये है, तो वैल्यूज अपन वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया अपने 1/f, 1/f की वैल्यू है -20 इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट, और 1/v की वैल्यू -1/15, ठीक है, -1/u की वैल्यू निकालनी है आपको। तो सॉल्व करोगे 15 को इधर लेके आओगे तो 1/-20 + 1/15 इक्वल्स टू 1/u, वो किसका रह जाएगा? माइनस का 1/u इधर रह जाएगा। यहाँ पे अपन एलसीएम निकाला तो जो एलसीएम आया वो आया 300, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 300 आया। तो 20 से ये कितनी बार गया? 20 से ये गया है आपके 15 टाइम 15 टू 30, ओके 15 टाइम गया है, तो यहाँ आ जाएगा 15 प्लस माइनस का 15 प्लस, और ये कितने बार जाएगा? 20 टाइम, ओके, तो ये हो गया 1/u माइनस का। तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 20 - 15 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5/300 इक्वल्स टू -1/u। ओके, u की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 300/5 माइनस का, और ये आ जाएगा माइनस का 60,
सेंटीमीटर। यू की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 60 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है, सीधा अपन ने फॉर्मूले पुट किया और आंसर निकाला है। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे आगे पूछा जा रहा है कि आपको क्या निकालना है, आपको एम बी निकालना है या हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है। ठीक है, तो एम इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे इधर कर रहा हूँ इसे साइड में ही यहीं पर ही, ताकि बाद में आपको देखने में कोई ईजी रहे। एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन सॉरी वी अपॉन यू होता है, माइनस वी अपॉन यू तो होता है मिरर के अंदर, और यहाँ वी अपॉन यू होता है। ओके स्टूडेंट, वी की वैल्यू होती है हमारे पास, वी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, गिवन है ऑलरेडी माइनस 15। यू की वैल्यू क्या निकाली है आपने, माइनस 60, अभी भी निकाली है, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 15 15 4 60। तो एम की वैल्यू आ गई अपने पास 1/4। निकालनी क्या है हमें, एच आई निकालना है, क्योंकि आपसे क्लियरली कहा गया है कि साइज ऑफ द इमेज निकालो, तो साइज ऑफ द इमेज निकालना यानी एच आई की वैल्यू निकालनी। एच आई इक्वल टू क्या होता है, एच आई इक्वल टू होता है फॉर्मूला क्या होता है, एच आई अपन एच ओ इक्वल टू एम, एम की वैल्यू क्या है 1/4 है, तो एच आई इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू एच ओ। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला ये होता है एम इक्वल टू एच आई अपन एच ओ। ठीक है, तो यह एच आई की वैल्यू निकालनी है तो एम इंटू एच ओ हो जाएगा, तो एच आई इक्वल टू एम की वैल्यू आपकी कितनी आई 1/4 इंटू एच ओ की वैल्यू यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दे रखी है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5। तो हाइट ऑफ द इमेज क्या आ गई आपके पास, 5/4 आ गई, जिसे अपन चेंज करेंगे तो ये अपन लिख सकते हैं इसको 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.25 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द इमेज कितनी आ गई स्टूडेंट, 1.25 सेंटीमीटर आ गई। अगर हाइट ऑफ द इमेज 1.25 सेंटीमीटर आई है तो एक बार चेक करो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या थी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ था 5 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी थी 5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द इमेज जो आई है वो छोटी आई है। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, इसके अंदर आप लिखोगे कि जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, इमेज इज डिमिनिश्ड, छोटी बन रही है। ठीक है, इमेज इज डिमिनिश्ड, स्पेलिंग गलत हो गई है, तो सही कर देते हैं, डी आई एम आई एन आई एस एच ई डी। ठीक है, इमेज इज डिमिनिश्ड एंड कौन सी बनेगी, कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस है, वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो ये आपको करना था, इसी के आपको 3 मार्क्स मिलने थे। 3 मार्क्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि आप जब यू की वैल्यू निकालोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, जब आप एम की वैल्यू निकालोगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, और जब आप एच आई की वैल्यू निकालोगे या यहाँ पे आपको 1/2 मिलेगा और यहाँ आपको 1 मिलेगा, और ये आपको बताने के 1/2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से 3 मार्क्स डिवाइड होंगे पूरे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके,